पुलिस लाइन मंडी में मानवाधिकार संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक दल के सदस्य के रूप में अरुण गुलेरिया ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग अलग जिलों से हिमाचल प्रदेश पुलिस के लगभग 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मानवाधिकार संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिता में निर्णायक दल के सदस्य के रूप में उपस्थित अरुण गुलेरिया ने बताया कि मंडी स्थित पुलिस लाइन में मानवाधिकार संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में मानवाधिकार संरक्षण सिर्फ आम आदमी के लिए है, क्या पुलिस के लिए नहीं, और इसके साथ ही रोहिंग्या मुसलमान मानवाधिकार संरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अरुण गुलेरिया ने बताया कि प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और मानवाधिकार संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में मानवाधिकार संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। जो अभी अभी रोहिंग्या मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं, उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के तहत उन्हें अंदर रखा जा सकता है कि नहीं, क्या इसमें सिक्योरिटी के रूप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस विषय पर भी चर्चा की गई। इसके माइक्रो और मैक्रो रूप में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सी चर्चाएं की गई, जिसमें इसका उत्थान, ये कब शुरू हुआ, ह्यूमन राइट्स के कब कब इसके लिए जो समारोह हैं आयोजित किए गए और क्या क्या डिसीजन भारत सरकार ने लिए हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और इसके अलावा क्या इसका असर आम पब्लिक तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, आम पब्लिक इससे इसके प्रोटेक्शन से कि उनसे प्रोटेक्शन हो सकती है कि नहीं, ये सब यहाँ विषय रखे गए। मानव अधिकार का मूल उद्देश्य लोगों को अवेयर करवाना है कि क्या उनके जो अधिकार हैं सिर्फ कानून के अंदर दबे ना रह जाएं, कानून के कारण दबे ना रह जाएं, क्या उन्हें कुछ प्रकृति से मिले हुए अधिकारों के साथ जो उन्हें अधिकार मिले हैं, क्या उसकी उन्हें बराबरी मिल रही है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रतिभागियों ने मानवाधिकार संरक्षण पर खुलकर अपने विचार रखे और इस मानवाधिकार संरक्षण पर आधारित इस प्रकार के कार्यक्रम वास्तव में कितने व्यावहारिक हैं, इस पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, केचरण।